नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिटी वैन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। शुरुआत करते हैं देश और जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट से। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है। यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में तमाम पाबंदियां लागू की गई हैं। इसी बीच ब्लैक फंगस भी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना वायरस के मौत के आंकड़े और नए मिलने वाले संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव भी जारी है। वहीं आपको बता दें, बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से संक्रमण के जो मामले सामने आए हैं, 186,163 नए मामले सामने आए, जो कि 44 दिनों में सबसे ज्यादा कम आंकड़ा है। वहीं आपको बता दें, हालांकि मौत का आंकड़ा जो है 3,000 के पार ही बना हुआ है। अब सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े कर्नाटक में है और वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। हफ्ते में दूसरी बार है जब 2,00,000 से ज्यादा कम नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर की बात अगर हम करें तो धीरे धीरे सहारनपुर में भी कोरोना से संक्रमण के मामले और मौत के मामले लगातार घट रहे हैं। आज स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सहारनपुर में कोरोना से 143 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 32,250 हो गया। वहीं राहत की बात यह रही कि आज 240 मरीजों के रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब सहारनपुर में एक्टिव केस की संख्या 1,998 है। मौत के आंकड़ों की बात करें तो आज सहारनपुर में हमें अलग अलग शमशान घाटों से मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि कोरोना से आज सहारनपुर में 6 मौतें दर्ज की गई, जिनमें से 3 लोगों का अंतिम संस्कार नुमाइश कैंप स्थित व 3 लोगों का अंबाला रोड स्थित शमशान घाट में किया गया। हालांकि इस बीच हमने हकीकत नगर स्थित शमशान घाट से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। तो देख सकते हैं कि अगर हमें 6 मौतों का आंकड़ा भी मिला है तो मौत का आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। सिटी वैब आप सभी दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है, कोरोना से बचें, अपने परिवार को बचाएं। कोरोना से हारना नहीं है, कोरोना से जीतना है। सावधानी बरतनी है, सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग करना है। अगर ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर कीजिएगा। और हाँ, हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को यूं ही देखते रहिए। अभी के लिए धन्यवाद।